फिल्मी सितारों का तारीख ना होने की समस्या या स्क्रिप्ट पसंद ना आने की वजह से फिल्म को ना कहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार फिल्मों को ना कहना बाद में इन्हीं पर भारी पड़ता है। काजोल ने अपने समय में सुपरहिट फिल्म गदर को रिजेक्ट किया था, तो वहीं जूही चावला ने 90 के दशक की फिल्म राजा हिंदुस्तानी और दिल तो पागल है को ना कह दिया। ऐसे ही एक नज़र उन सितारों पर जिनकी ठुकराई फिल्मों से कोई और स्टार बन गया। सैफ अली खान ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को यह कहकर ठुकरा दिया था कि वो लवर बॉय नहीं लगते। बाद में इस फिल्म में शाहरुख को एवरग्रीन लवर बॉय बना दिया। ऋतिक रोशन ने दिल चाहता है मैं आमिर खान वाले किरदार को यह कहकर ठुकरा दिया था कि वो मल्टी स्टारर फिल्म नहीं करते। हालांकि आमिर भी मल्टी स्टारर फिल्में नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इस किरदार के लिए हाँ भी भर दी थी और देखिए आज ये फिल्म यादगार मानी जाती है। काजोल को गदर ऑफर हुई थी, लेकिन किसी कारण से वह ये फिल्म नहीं कर पाई। बाद में इस फिल्म में अमीषा पटेल को लिया गया। फिल्म के बारे में बताने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम दिल दे चुके सनम के लिए करीना कपूर संजय लीला भंसाली की पहली पसंद थी, लेकिन करीना ने फिल्म करने से इनकार किया और फिल्म ऐश्वर्या राय की झोली में आ गिरी। करीना ने संजय लीला भंसाली की महत्वाकांक्षी फिल्म रामलीला को भी ठुकरा दिया था। फिल्म हिट हुई और रणबीर और दीपिका की तारीफ भी हुई। जूही चावला ने अपने करियर में दिल तो पागल है और राजा हिंदुस्तानी को रिजेक्ट किया। जूही चावला के मना करने के बाद ये दोनों फिल्में करिश्मा कपूर को ऑफर हुई। दिल तो पागल है के लिए करिश्मा को नेशनल अवार्ड भी मिला था। जूही ने बताया कि उन्होंने कई अच्छी फिल्में अपने ईगो के कारण हाथ से जाने दिए और वह फिल्में सुपरहिट हुई थी।